दोस्तों इस वक्त मौजूद हूं मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत नैनाना ब्राह्मण के नगला लालजीत में बिमल पार्क में आदरणीय राजयोगिनी बीके बिमला दीदी जी की छठवीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसकी थीम थी स्वर्णिम भारत की ओर। जी हां दोस्तों, म्यूजियम सेवा केंद्र के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि में पहुंची आगरा की सभी वरिष्ठ बहनें तथा ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर बहन जी के प्रति अपने स्नेही दिल की श्रद्धांजलि स्नेही प्यार अर्पित किया। आगरा जोन इंचार्ज शीला दीदी ने कहा कि हम सभी ने बहन जी की पालना ली है, सभी उनको बहुत याद करते हैं क्योंकि बहन जी सबको एक संगठन में सबको प्यार से पालना करती थी। म्यूजियम इंचार्ज बीके मधु दीदी बीके माला दीदी ने कहा कि बिमला बहन ऐसी शख्सियत थी जो छोटे बड़ों में भेदभाव न कर सबको एक समान प्यार करती थी। उनसे सभी को अलौकिक माँ ममतामयी की छत छाया की शीतलता महसूस होती थी। बिमला बहन जी की पुण्यतिथि का अवसर है, लेकिन ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब हम उन्हें याद नहीं करते हों। हम आत्माएं उनके दुलार को अभी भी महसूस करती हैं। उनकी त्याग तपस्या का यादगार यह म्यूजियम है। भरतपुर से पदार्थी बी के कविता दीदी ने कहा कि बिमला बहन जी को आज तक हम अपने दिल में बसाए हुए हैं, वह हम सब की अलौकिक माँ थीं। दिल्ली की पहली समर्पित कुमारी आप थीं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा की पालना में पली दीदी ने परम प्रतिमा परमात्मा का परिचय दे कई जगह सेवा केंद्र खोले। ऐसी जगह जाकर सेवाएं की, कहा कि आज की तरह की फैसिलिटी नहीं थी। उत्तराखंड राजस्थान आगरा नैनीताल भोपाल सब जगह परम प्रताप परमात्मा का परिचय दिया। कई वरिष्ठ बहनों को बिमला बहन जी के परमात्मा के ज्ञान में निकाला, जिनमें से कई बहनें सेवा केंद्र की इंचार्ज भी हैं। श्रद्धांजलि के अवसर पर मौजूद रहीं शीला दीदी कविता दीदी अश्वनी दीदी सादा बात से भावना दीदी गीता दीदी सीमा दीदी संगीता बहन शीतल बहन सावित्री बहन रेखा बहन विजेंद्र भाई साहब महावीर भाई साहब विजय भाई साहब आदि उपस्थित रहे। मंच का संचालन किया पीपल मंडी से बी के ममता बहन द्वारा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के पश्चात सभी ने ब्रह्म भोज किया। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारी इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमें दिशा निर्देश करने के लिए, खबरों में सुधार के लिए एवं खबरों को अधिक से अधिक उत्साहवर्धन करने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा आप हमें जानकारी दे सकते हैं और क्षेत्र में घटने वाली सभी घटनाओं से हमें कमेंट के द्वारा आप रूबरू करा सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, किस प्रकार का ये कार्यक्रम हुआ है और कौन कौन लोग उपस्थित रहे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार दीदियों ने बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचकर आज छठवीं बिमला बहन जी की पुण्यतिथि को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया है और देखिए किस प्रकार स्वच्छता अभियान पर भी बात कही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए क्या कुछ कहना है, जानते हैं आज यहाँ सभी मौके पर पहुँची बहनों से और देखिए किस प्रकार बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले समर्थक बड़ी आज 6 साल बाद भी उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर देख सकते हो आप तस्वीरों में किस प्रकार बड़ी संख्या में आज यहाँ देख रहे हो आप तस्वीरों में बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले पहुँचे हैं और आज भी सभी लोग उन्हें बड़े प्यार से याद कर। मैं विजेंद्र भाई यहाँ गीता पाठशाला ब्रह्मा कुमारी की यहाँ चलती है और म्यूजियम से हम लोग जुड़े हुए हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से। तो ये हमारी बड़ी बहन जी थी जॉन इंचार्ज बिमला बहन जी, उनकी छठवीं पुण्यतिथि है यहाँ पर। तो किसी न किसी के अंदर इतनी विशेषताएं होती हैं कि उनके नाम से जाने के बाद भी इतने मेला लग जाता है यहाँ पे, तो उनके अंदर कुछ विशेषताएं तो थी। तो ऐसी हम बिमला बहन जी को नमन करते हैं और उनके दिए हुए संस्कार विचार जिससे कई परिवार लाखों परिवार और अपने जीवन को परिवर्तन किया। बहुत जिले जिलों में पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है, स्मृति दिवस को
ये यहाँ पे उनका स्तंभ बना हुआ है, तो उनकी पुण्यतिथि यहीं मनाई जाती है और हर साल हर वर्ष मनाई जाती है यहीं पे। मैं ममता बहन पीपल मंडी सेवा केंद्र से, आज बहन जी की पुण्य स्मृति दिवस है, तो बहन जी के बचपन से मैं बहन जी के अंग संग रही हूँ और बहुत समय से बहन जी की पालना में पली, तो बहन जी से यही सीखा है। बहन जी बड़ी उदार हृदय थी, बड़ी विशाल दिल थी, उनके पास जो भी कोई अपनी समस्या लेकर आता था तो समाधान लेकर ही जाता था, समाधान ऐसा देती थी कि सामने वाला इतना संतुष्ट हो जाता था और उनके गुणगान करने लगता था। तो बहन जी तो एक देवी स्वरूपा थी और ऐसी देवी स्वरूपा थी कि उनके सामने जाते ही उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। मेरा एक अपना खुद का अनुभव है, मैं बहुत बीमार थी और बहन जी ने जब मुझसे कहा कि बहुत बहन जी उपाय करे, डॉक्टर को दिखाया तो बहन जी ने भोग लगाया और भोग में बाबा ने उनको कहा कि बच्ची को ये बादाम खिलाना, और जैसे ही मैंने बहन जी के हाथ से वो बादाम खाए और मेरी सारी बीमारी खत्म हो गई। तो बहन जी के पास आशीर्वाद था, वरदान था, और बहन जी बचपन से निकली थी, बहुत पवित्र थी, बहुत विमल थी, बहुत स्वच्छ थी, और बहन जी आज भी हमारे मध्य में है, प्रत्यक्ष न सही अप्रत्यक्ष आज भी हम उनको महसूस करते हैं, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनकी आज शिक्षाएं जो हमें आगे बढ़ा रही है, ऐसी थी हमारी बहन जी। कविता संयुक्त प्रशासिका आगरा क्षेत्र, वर्तमान समय भरतपुर। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का ये संगठन परम श्रद्धे परम आदरणीय राजयोगिनी विमला दीदी की छठी पुण्य स्मृति दिवस विमल स्तंभ नगला लाल जीत में मना रहा है। आदरणीय बहन जी 1937 में लौकिक जन्म लिया और लगभग 60 वर्षों तक उन्होंने विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए इस संगठन से जुड़कर अपनी सेवाएं दी। आदरणीय बहन जी मानव मूल्यों की प्रतिमूर्ति थीं। वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अध्ययन को बड़ी गहराई से, बड़ी रुचि से करती थीं और उन्होंने आगरा में रहते हुए पिता श्री ब्रह्मा बाबा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का सानिध्य पाकर उनके समान स्वरूप को धारण करके आगरा से ही 5 प्रांतों में अपनी साकार सेवाएं दी, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अन्य अन्य प्रांतों में भी उन्होंने सेवाएं दी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने आगरा से विश्व स्तर की सेवा, जो आज हमारा विदेश का हेडक्वार्टर लंदन में है, उनकी जो इंचार्ज हैं उनको भी ट्रेनिंग देने का कार्य पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने मधुबन से उन्हें यहाँ भेजकर कराया था। ऐसी आदरणीय बहन जी को हम आगरा क्षेत्र के सभी पदाधिकारी एवं सभी ब्रह्मावत्स आज विमल स्तंभ से अपनी छठी पुण्य स्मृति दिवस की सच्ची भावांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आदरणीय बहन जी परमात्मा प्रेम की ऐसी ज्वलंत उदाहरण थीं कि उन्होंने प्रेम की नगरी आगरा में प्रभु प्यार का प्रतीक आगरा के नॉर्थ साइड में एक बहुत बड़ा ईश्वरीय ज्ञान का संग्रहालय निर्माण किया, जो ज्ञान प्रेम के सागर परमात्मा ने उनको स्वयं वरदान दिया था। ऐसी प्रेम की मूरत, दया की मूरत, करुणा की मूरत, ममतामयी माँ को आज 6 वर्ष गए हुए हो चुके, हम छठा पुण्य स्मरण दिवस मना रहे हैं, लेकिन उनकी यादें हमसे भूलती नहीं हैं। हम सभी ब्रह्मावत संकल्पित हैं कि जो बहन जी ने ये हमारा रूहानी बगीचा लगाया है, हम पुष्पों को तैयार किया है, हम उनकी सुगंध को और अधिक बढ़ाएंगे और उनके रहे शेष कार्य को विश्वव्यापी बनाएंगे। इस संकल्प के साथ सभी ने श्रद्धांजलि दी। ओम शांति। मैं तो बहन जी के साथ बहुत पहले से रही, शुरू से, और बहनें सब बाद में आई, लेकिन मैं बहन जी के साथ बहुत छोटी से ही बस बाबा के, बहन जी के साथ सेवाएँ की, और जितने भी सेंटर प्रांतों में खुले हैं ये बहनें तो केवल नाम सुना रही हैं, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल में, चाहे MP चाहे भरतपुर जो भी है, सब जगह बहन जी ने जहाँ भेजा वहाँ पर मैं सेवाओं के लिए गई और की हैं सेवाएं। और अभी तो फिर बाबा ने मुझे बहन जी की जगह
कमला नगर सेवा के लिए रखा है, तो मैं वहाँ पर ही सेवाएं कर रही हूँ और उसकी सेवाएं बहुत बड़े रूप से हो रही हैं। ओम शांति। ओम दोस्तों, ग्वालियर रोड स्थित नगला ब्रह्मजीत में आपको बता दें कि यहाँ आज ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा विमला बहन, जो कि आज से 6 वर्ष पहले ब्रह्म लीन हो गई थी, उनकी आज छठवीं पुण्यतिथि मनाई गई है। यहाँ आगरा के कोने कोने से देखिए उनके यादगार में बनाए गए स्तंभ पर सभी के द्वारा यहाँ पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं, उनकी छठवीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए संकल्प लिया गया है, उनके कार्यों को हम जन जन तक पहुँचाएंगे। यहाँ ये भी बताया गया है कि ब्रह्म कुमारी विमला बहन के द्वारा शुरू की गई सेवा अब विदेशों में भी जारी होने लगी है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।